जय श्री कृष्ण। कर्म कांड, पूजा मंत्र, स्तोत्र, व्रत कथा एवं सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए घंटी की निशान को भी दबाएं। ओम अथ देव्यः कवचम्। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्या सोक्त मातरो बीजम् दिगवंद देवतास्तत्त्वम् श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तसती पाठांगत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै मारकंडेय उवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्रिणुस्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति उष्मांडेति चतुर्दकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयारतः शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यैस्तु भक्त्या स्मिता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्थाच्युता मुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विताः। नानाभरण सौभाढ़्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यक्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं अलं च मुसलायुधं कीटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारंगमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानीथं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐश्यान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद् दस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दसदिशो रक्षेद् चामुंडा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेद् दुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवाशिनी कपोलौ कालिका रक्षेत्
कर्णमूले तु शांकरे नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षि चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलकूबरी स्कंदयो खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयो दंडिनी रक्षेत् दंबिका चांगुलीषु च नकांचूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेड्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोरनारसिंहीं च पादपृष्ठे तु तैजसी पादांगुलीषु श्रीरक्षेत् पादादस्तलवासिनी नखान्द्रष्ट्राकराली च कैशाश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौवेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसा न्यस्ति मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरे पद्मावती पद्मकोशे कपे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नगज्ज्वाला मवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यान मुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहे धर्मं रक्षतु वैष्णवे ईशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु वैरवी पन्थानं सुपदा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतस्थिता रक्षाहीनं तियस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेचुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यति भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवीकला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेद वर्षशतं साग्र मृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा वैरवादयः नश्यन्ति दशनाथस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्ववेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत सप्सतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं दत्ते सुशैलवनकाननं
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां संतति पुत्र पौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लवते परमं रूपं शिवेन सह मोदते श्रीजगदम्बार्पणमस्तु इति दिव्यागवचं सम्पूर्णम्।